तो दोस्तों आज हम आपको दिखलाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल, मतलब अंदर में किस प्रकार से रहने का व्यवस्था है, रूम कैसा है, एक रूम में कितने लोग रहते हैं, और यहाँ पास मेस कैसा है, खाना किस प्रकार का मिलता है, और अंदर में किस किस चीज़ का फैसिलिटी है। तो चलिए हम आपको अंदर में दिखलाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मेन गेट से इंटर करिएगा तो ए वाला गेट आएगा, और यहाँ पास मतलब वेटिंग एरिया टाइप के आप मतलब यहाँ पास बैठ सकते हैं, और न्यूज़पेपर रखा हुआ रहता है, एक हिंदी और एक इंग्लिश, ये हिंदी पेपर है और एक साइड में इंग्लिश पेपर रखा हुआ रहता है। आप यहाँ पास आकर पेपर पढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, मतलब थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पास इधर इंग्लिश पेपर है और सामने में ऑफिस है। और दोस्तों जैसे ही कैंपस में एंट्री लीजिएगा तो कैंपस के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा आंगन है, मतलब इस आंगन में 3 बैडमिंटन कोर्ट बनाया हुआ है, मतलब जहाँ पास आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, और साइड से छोटा छोटा प्लांट लगाया हुआ है ताकि इससे देखने से सुंदरता और बढ़ जाता है, इस प्लांट के कारण सुंदरता और बढ़ जाता है। तो देख लीजिए चारों साइड से व्यू, बीच में बहुत बड़ा सा आंगन है और साइड में साइड रूम है जिसमें सब बॉयज लोग रहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया रूम का गलियारा, जिससे मतलब आपका गेट ओपन और क्लोज होगा यही गलियारा से, दोनों साइड देख लीजिए, और एक बीच में छोटा सा बैठने वाला एरिया दिया हुआ है जिसमें आप बैठकर अपने दोस्तों के साथ गप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया बाथरूम, जहाँ पास आरओ लगा हुआ अंदर में, फिर बाथरूम हो गया, और यहाँ पास हो गया कपड़ा पसारने वाला एरिया, जहाँ पास अपना कपड़ा भींगा हुआ कपड़ा पसार सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया रूम, एक रूम में मतलब 3 बेड लगा हुआ है, और यहाँ पास मतलब सबका सिंगल सिंगल बेड है, लेकिन इन लोग सटा के लगा दिए हैं, 3 बेड, 3 चेयर और 3 टेबल मिलता है, और सारा का सारा रूम इतना ही बड़ा है और सब बराबर है एकदम। और ये सेकंड फ्लोर है दोस्तों, सेकंड फ्लोर पर एक मनोरंजन कक्ष है, मतलब यहाँ पास टेबल टेनिस का है बना हुआ कोर्ट, और इसी के जस्ट ऊपर में जिम है, मतलब 3rd फ्लोर पर 339 नंबर है रूम नंबर, और इस पर जिम है इसमें, लेकिन सारा का सारा बंद है। तो दोस्तों हम दोबारा से आ गए हैं आंगन में, क्योंकि जो सामने जो गेट दिख रहा उस गेट से मेस की तरफ जाया जाता है। तो देखिए दोस्तों एक गेट हो गया, और इस गेट को जैसे ही आप क्रॉस करिएगा तो फिर से एक छोटा सा आंगन आएगा, और ये आंगन हो गया, और जो सामने में दिख रहा वही मेस है, और इधर कॉर्नर में देखिए एक धोबी है जो मतलब कपड़ा उपड़ा को प्रेस करते हैं, चलिए इनके पास ले चलते हैं हम आपको। देखिए दोस्तों तो यहाँ पास कपड़ा प्रेस हो रहा है, और अंदर में सारे लोग बैठकर मतलब खाना खा रहे हैं जो मेस है। ये हमारे 3 दोस्त हैं, यही खाने में लगे हुए हैं यहाँ भी। खाना में क्या क्या था? तो दोस्तों हम लोग बाहरी लड़का लोग, मतलब हम लोग तो यहाँ के हॉस्टल के हैं नहीं, हम लोग बाहरी लोग हैं, तो इन लोग भी मतलब फ्री में खाना नहीं खा रहे हैं, मतलब खाना का पैसा देकर खा रहे हैं, मतलब आपको भी अगर खाना खाना हो तो यहाँ मतलब पैसा देकर खा सकते हैं, 50 रुपया लगता है एक प्लेट का, खाना खाइए और काउंटर पर एक स्कैनर है उस पर पे कर दिए 50 रुपया। तो दोस्तों 50 रुपया में मतलब खाना यहाँ अच्छा मिलता है, 50 रुपया का मतलब खाना रियली में यहाँ अच्छा मिलता है। अगर आप लोग कभी खाना होगा तो मतलब मेन गेट से मत आ जाइएगा, जिस गेट से हम आए हैं उस गेट से मत आ जाएगा, क्योंकि हम परमिशन लेकर आए हैं। अगर आप लोग को कभी खाना हो तो मतलब पीछे से गेट है, जिधर से मतलब खेल परिषद है, मतलब जिधर से क्रिकेट विकेट होता है, ग्राउंड स्टेडियम टाइप का बना हुआ, उस साइड से पीछे से एक और गेट है, उस गेट से आइए, खाना खाइए, स्कैनर पे पैसा पे करिए, और आराम से उधर से ही निकलते जाइए, मेन गेट से आपको नहीं आने दिया जाएगा। तो दोस्तों यही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, जिसमें आपको हम कमरा भी दिखा दिए, खाना भी दिखा दिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।